हेलो दोस्तों वालेकुम अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काजमा को जोश को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बोले बिसमिल्लाम तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा रेसिपी जो कि बिहारी स्टाइल में हमने बनाया है मुस्लिम शादी में बनने वाली रेसिपी है ये तो देखिए मटन को हम अच्छे से धो लिया है और धो के उसका सारा पानी हमने अच्छे से छान लिया है तो देखें ये मटन का पीसेज है हमें इतना ही बड़ा रखना और देखें कुछ हमने चर्बी का टुकड़ा भी लिया है तो उससे बहुत ही टेस्टी यम्मी सी हमारी मटन कोरमा रेसिपी बनकर तैयार होगी तो चले सबसे पहले हम दो प्याज ले, ले लेते हैं देखें इस साइज़ का और इसे पतला पतला हमने स्लाइस कर लिया है देखें अब देखें आधे प्याज को हमने चॉप्ट कर लिया है महीन चॉप्ड कर लिया है तो ये तड़का में काम आएगा तो देखिए सबसे पहले हमने एक कुकर में 100 ग्राम तेल ले लेना है ये मस्टर्ड ऑयल है और टू टेबल स्पून हमने देसी घी लिया है अब इसमें हमने पोस्ता दाना और गुलाब की पंखरी को फ्राई नहीं करना है हमें काजू और बादाम को फ्राई करना है तो हमें सात से आठ पीस काजू और सात से आठ पीस हमने बादाम को ले लिया था और इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है शेलो फ्राई देखिए इतना हो चुका है अब इसे हमने निकाल लेना हमें इसे जलाना नहीं है तो एक बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं अब इसी तेल में हम प्याज को तल लेते हैं तो दो प्याज जो हमने चॉप्ट किए थे उसे भी हमने तल लेना है फ्राई कर लेना है इसे भी हमने जलाना नहीं है इसे भी हमने शेलो फ्राई करना है यानी कि हल्का सा गोल्डन आए कलर तो हमें निकाल लेना है देखें इस स्टेज पर प्याज देखिए हमारा फ्राई हो चुका है अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं ठंडा करने के बाद इसका महीन सा पेस्ट बना लेते हैं तो देखिए प्याज को सबसे पहले हमने डाला है फ्राई किया प्याज को बादाम है पोस्ता दाना है टू टेबल स्पून और टू टेबल स्पून हमने गुलाब की पंखुरी भी डाली है इसमें हाफ़ कप के अंदाज़ हमने इसमें पानी ऐड किया आप चाहें तो पानी कम या ज़्यादा डालकर पेस्ट बना सकते हैं तो देखें पेस्ट बन चुका है अब इसे साइड कर देते हैं अब उसी तेल में हम जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसमें हम कुछ खरा गरम मसाला डालते हैं तो एक इंच दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा जवित्री है वन टी ब्लैक पेपर है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा है एक बड़ी इलायची है एक चक्र फूल है तीन इसमें हमने लौंग डाला है चार हमने हरी इलायची डाली है अब इस सारे खरे गरम मसाले को हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा चटकने देते हैं ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है तो देखें चटक चुका है खरा गरम मसाला अब इसमें हम मटन को डाल देते हैं ये वजन में पाँच ग्राम मटन है तो देखिए इसे अच्छे से हमने इसमें थोड़ा देर फ्राई कर लेना है बस हल्का सा अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है तो फोर टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है देखिए अब इसे भी थोड़ा हमने भून लेना है ताकि इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए लहसुन अदरक का अब इसमें कुछ हम पाउडर यूज़ करते हैं मसाले का तो हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी लिया है हल्दी पाउडर और वन टीस्पून हमने काश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है वन टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर लिया और वन टीस्पून इसमें हमने नमक डालकर इसे थोड़ा सा भून लेना हमें से मसाले को जलाना नहीं है देखें कितना बढ़िया सा कलर आया है मटन का अब इसमें थ्री टेबल स्पून हमने इसमें दही डाली है ये घर की जमी हुई दही है आप चाहें तो बाजार की भी दही इसमें डाल सकते हैं बा कि दही खट्टी ना हो तो देखें इसे अच्छे से हमने चला लेना है अब देखें प्याज का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उसे भी हम ऐड कर देते हैं और देखिए इसमें थोड़ा सा पानी हम डालकर इस जार को धोकर इसमें हम डाल देते हैं तो देखिए आधे कप के अंदाज़ हमने इसमें पानी ऐड किया था एक कप के अंदाज़ पानी इसमें और हम ऐड करते हैं आपकी ग्रेवी अगर थोड़ी हो तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर लें दो कप ऐड कर लें दो तेज पत्ता भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं अब कुकर का हमने लिड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर दो सीटी मारने के बाद गैस का फ्लेम लो करके पच्चीस मिनट तक हमने लो फ्लेम पर इसे पकाना है तो देखिए पच्चीस मिनट हो चुका है तो देखें ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी है अब ये पतली नहीं अगर पतली रहती तो थोड़ा इसे हम भून लेते अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून होम मेड गर्म मसाला डालते हैं और दो हाथ अच्छे से भून लेते हैं देखें वन टेबल स्पून के अंदाज़ हमने इसमें केवरा वाटर डाला है तो इससे जो मटन कोरमा है इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया सी आती है तो देखिए इसमें तड़का भी हम डाल देते हैं तो फोर टेबल स्पून हमने इसमें देसी घी डाला है टू टीस्पून इसमें हमने चॉप्ड किया हुआ प्याज डाला है और इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं हमें गोल्डन फ्राई करना है इसे जलाना नहीं है तो देखें गोल्डन फ्राई हो चुका है अब इसको हमने कुकर में जो हमारा मटन था उसमें हम डालकर इसका तड़का लगा देते हैं कुछ धने की पत्ती से इसे गार्निश करते हैं अब देखें चले इसे डिश आउट करते हैं ये बनी कैसी है तो देखें बहुत ही बढ़िया बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ मटन देखें हाथी से टूट रहा है तो देखें और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है तो चले हम और आप टेस्ट करके देखते हैं कि बनी कैसी है हम्म बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी तो कब बना रहे हैं आप अपने घरों में इस बार की स्पेशल रेसिपी है तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में ये रोटी चावल दाल पुलाव टिकिया कचौरी सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है तो इन आप इस बकरीद में ज़रूर ट्राई करें आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में और बहुत ही टेस्टी यम्मी सी हमने बनाकर तैयार की है उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी इन अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग